जगतगुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2025 तक भारत का राष्ट्र ध्वज भगवा होगा और यह सर्वसम्मति से होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मुहिम चला रहे आचार्य के इस बयान के बाद अब हलचल ज्यादा बढ़ गई है। आचार्य के अनुसार भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा सनातन और संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए 2025 में सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्र ध्वज भगवा होगा। दरअसल राम मंदिर के लिए आमरण अनशन कर चर्चा में आए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य समय समय पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने आगरा के ताजमहल को तेजो महालय बताकर उसमें प्रवेश कर पूजा के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ताजमहल चर्चा का विषय रहा। तमाम याचिकाएं भी न्यायालय में दाखिल हुई। इसी तरह एक बार फिर वे इस बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए। मेट्रो मुंबई के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।